अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स। तो मार्केट में नॉर्मली ये मिलता है और घर में अगर आप इसे बनाएं तो कम बजट में आप काफी ढेर सा बना सकते हैं और बच्चे भी खुश, आप भी खुश। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने यहाँ पे दो बॉल मैदा लिया है और एक बॉल से थोड़ा कम मैंने पिसी हुई चीनी को इसमें ऐड किया है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पर। तो हमने इसमें एक कप मिल्क ऐड किया है और मिल्क को हम चेक करेंगे तब तक कि गुनगुना ना हो जाए। जब ये गुनगुना हो जाए तो हम इसमें 3 स्पून ईस्ट पाउडर ऐड करेंगे और ईस्ट पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है, बटर लेना है, बटर को मेल्ट कर लेना है। हाफ बॉल देखिए मैंने बटर लिया था और उसमें मैंने एक अंडा तोड़ के इसमें डाला और अच्छे से हम इसे फेंट रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा 3 स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे बॉल पे मैदा और चीनी है और अंडा और बटर है। तो हम इसे बटर और अंडे को मैदे में ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे, मिलाएंगे। तो अब हम आटे को अच्छी तरह गूंदेंगे, पहले मैश कर लेंगे अच्छे से और जब अच्छी तरह से सब मिक्स हो जाए तो हम इसमें मिल्क और जो ईस्ट पाउडर का लिक्विड बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम आटे का डो सॉफ्ट रखेंगे। हमें डोनट्स का जो डो होता है आटे का वो सॉफ्ट ही रखना है, हार्ड नहीं रखना है। अगर आप हार्ड रखेंगे तो आपका डोनट्स अच्छा नहीं बनेगा। तो इससे हमें सॉफ्ट ही इसका डो रखना है। तो डोनट्स का आटे को हम अच्छी तरह से गूंदेंगे और जब हमें लगे कि हाँ पानी कम है तो हम गुनगुना पानी इसमें हल्का गुनगुना डाल के इसको गूंदना है। देखिए हमारा डो कितना ये आटा सट रहा है। तो ये आप घबराइएगा नहीं कि हाँ ये गीला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे उसी तरह खूब मतलब क्या बोलते हैं उसको मिलाना है, मिक्स करते ही जाना है, करते ही जाना है। तो देखिए 5 मिनट गूंदने के बाद हमारे आटा इस तरह हो गया है और बहुत अच्छा लो इसका मतलब गोल बढ़िया डो बन चुका है। और चारों तरफ से हम आटा को छुड़ा लेंगे। तो मेन डोनट्स का होता है बेस आटा। अगर आपका आटा परफेक्ट गूंदा हुआ है तो आपका डोनट्स बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, सॉफ्ट एंड टेस्टी। तो इसमें मेन पार्ट आपका है कि डोनट्स का डो आपका परफेक्ट हो। तो मैंने चारों तरफ यहाँ पे बटर लगा लिया है और हम इसे 4 to 5 आवर्स हम इसे रेस्ट देंगे। तो फ्रेंड्स 5 आवर्स के बाद हम अपने डो को चेक करेंगे और देखिए ये दुगना हो चुका है, मतलब जितना था हाफ से बढ़ चुका है। और ये देखिए कितना जालीदार बना है, कितना सॉफ्ट डो, कितना जालीदार। तो मतलब ये आपका परफेक्ट आटा है, ठीक ना। तभी तो फिर से थोड़ा मुक्की देंगे और बहुत सारा मुक्की देंगे और क्या बोलते हैं। तो उसके बाद ये देखिए कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसका लोई बना लेंगे। बड़े लोई बनाएंगे तो अच्छा है कि ज़्यादा आपके डोनट्स उसमें कट होंगे। तो हमने इसके 3 लोई बना लिए हैं और उसके बाद अब हम इसे बेलेंगे। तो डोनट्स का जो रोटी है वो हम बड़ा बेलेंगे। तो इसलिए मैंने सिलाब के ही मैदा ले लिया है और अच्छी तरह से मैदा लगा के हम इसे अच्छी तरह से रोटी का बेलना है। बट रोटी का जो होता है वो पतला होता है, ये थोड़ा हमें मोटा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो देखिए ये इतना ही रखना है। तो आप किसी भी चीज़ का ढक्कन ले लें, अगर आपके पास कटर नहीं है तो मैंने अपने किसी किचन के डब्बे का ढक्कन लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से मैदा से उसके वो कॉर्नर जो होता है मैंने उसे कोट किया था और उससे मैंने कट किया है ताकि आपका वो जो शेप है वो बिगड़े नहीं। तो मैंने अच्छी तरह से उसे कट कर लिया और फिर मैंने दूसरे ढक्कन लिया है, ठीक है। और मैं इसे अच्छी तरह से छोटा छोटा कट करके इसके सारे जो अंदर के हैं वो निकाल लेंगे तो आपका डोनट परफेक्ट डोनट फूट देगा। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी अपना किचन का किसी ढक्कन का यूज़ करें। तो ये मैंने थोड़ा सा रखा है ताकि ऑयल चेक करने में काम आए। तो ये डोनट्स मेरे 16 डोनट्स बने हैं। तो देखिए अब हम इसे हाफ एन आवर मैंने डोनट्स को रेस्ट दिया था, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा चेक किया तो ये ओके है तेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने डोनट्स को और डोनट्स को बहुत अच्छे से आराम से डालें
और डोनट्स को मीडियम फ्लेम पे डाल, हाई फ्लेम पे डालें और तुरंत मीडियम कर दें, हाई फ्लेम पे इसे नहीं डालना है, ठीक है। तो हमें इसे रेगुलर पलटते रहना है, ठीक है, मतलब छोड़ना ही कि हाँ एक साइड रेड हो गया देन फिर मैं पलट रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, डालना है बस, पलटते रहना है, पलट पलट कर ही इसे फ्राई करना। तो रेगुलर फ्राई इस तरह से करने से इक्वल आपका जो डोनट्स का कलर होता है वो बहुत अच्छा होता है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है, फूल भी गया है, कितना ज़्यादा डबल हो गया है। तो ऐसे डोनट्स बहुत सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है। सेकेंड बैच हम फिर वैसे ही फ्राई करेंगे और यही हमारा सारे डोनट्स रेडी हो गए, तब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो डोनट्स के ऊपर मैंने चॉकलेट का इसको डेकोरेट करना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आप देखते ही होंगे कि मार्केट में होता है, तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है और मैंने डेयरी मिल्क लिया है। डेयरी मिल्क को हम छोटा छोटा तोड़ देंगे और तोड़ के ऐड कर देंगे, और उसमें मैंने 2 चम्मच मिल्क मेड लिया है, 2 चम्मच मैंने क्रीम लिया है अमूल का, और 1 चम्मच मैंने बटर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क, ठीक है। 1/2 कप मिल्क हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बने, ठीक है, अच्छे से मेल्ट हो जाए, थोड़ा कुक हो जाए। तो हम इसे अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। आप इसे लो फ्लेम पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये जलेगा नहीं क्योंकि चॉकलेट है। तो देखिए ये अच्छी तरह से ये रेडी तभी होगा जब इसमें शाइन आ जाए, ठीक है। ये हमारा चॉकलेट भी अब रेडी हो चुका है, तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया और अब हम करेंगे डोनट्स के ऊपर चॉकलेट लगाएंगे और उसे डेकोरेट करेंगे। तो हमने चॉकलेट को डिप किया है, आप डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, कांटे वाले चम्मच जो होता है, स्पून या किसी चीज़ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म होता है तो आपका हाथ भी जल सकता है। देखिए मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ और जब नहीं लग रहा है तो मैं ऊपर से इसे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो उसी तरह मैंने सबको कर लिया है। और तो अब हम इसे मार्केट लुक देंगे थोड़ा। तो मैंने क्या किया, मिल्क मेड को चम्मच की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सजाया है, तो ये बहुत प्यारा लुक देता है। तो आपको जैसा मन हो वैसे सजा सकते थे। तो आप फ्रेंड्स बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।